तो यही आपका परचेज कंसिडरेशन होगा. बट इफ आई गो विथ आई वी मेथड तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. समझ लो कि ये केस में यू हैव 5 लाख शेयर्स और ये केस में आपके पास 10 लाख शेयर्स है. सो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा, आई वी पर शेयर, दिस वुड बी ₹11 एंड दिस वुड बी ₹55. मतलब सेलिंग कंपनी का आई वी आ रहा है ₹11 और परचेजिंग कंपनी का आ रहा है ₹55. सो नाउ व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला पी सी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, कैसे लेने का, आई वी ऑफ सेलिंग कंपनी दैट इज 11 डिवाइड बाय आई वी ऑफ परचेजिंग दैट इज 55 और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी इज 5 लाख. तो करो कितना आता है, 5 लाख इंटू 11 डिवाइड बाय 55 दैट गिव्स यू 1 लाख शेयर्स और पी सी इन रुपीज would be equal to this PC in shares into issue price. Issue price नहीं दिया तो आप क्या लेंगे, purchasing company का IV into 55 that would be ₹55 lakhs. ये समझा. सो यहाँ पर आपका PC कितना है, 55 lakhs. अभी देखो इसका meaning या interpretation कैसे होगा. क्या हो रहा था कि सेलिंग कंपनी का एक शेयर का वैल्यू था 11 और परचेजिंग कंपनी का एक शेयर का वैल्यू था 55. अभी सेलिंग कंपनी अगर ऊपर से देखेगी ना, उसको लगेगा अरे यार मेरे पास थे तो सही 5 लाख शेयर्स और ये लोग मेरे को सिर्फ 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं. सेलिंग कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे, अरे यार घोटाला हो गया, ये तो 5 लाख शेयर्स था मेरे पास और उसके सामने मेरे को परचेजिंग कंपनी ने सिर्फ 1 लाख शेयर दे दिया, मतलब मेरे को प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं मिला, वैसा लगेगा. बट दैट इज़ नॉट द केस. सो नाउ विल टेल देम, बीइंग एन अकाउंटेंट अपन बोल सकते हैं ना, आपके पास जो 5 लाख शेयर्स थे वो एक शेयर का वैल्यू सिर्फ ₹11 थे, जबकि जब आपको परचेजिंग कंपनी में शेयर्स दिए ना तो आपका वैल्यू देखो ₹11 से वो ₹55 बन गया, मतलब ऑलमोस्ट 44 रुपीज़ है आपका एक शेयर का वैल्यू बढ़ गया. सो एक चीज़ है या एक शेयर है जिसका वैल्यू 11 है और उसके सामने अगर वैल्यू 55 है तो ऑब्वियसली शेयर्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि पहले आप सिर्फ ₹11 के सामने आपके पास 5 लाख शेयर थे, अभी 1 लाख शेयर के हिसाब से बट उसका वैल्यू कितना है, ₹55. सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपके साथ कुछ चीट हुआ है या आपको कुछ गलत मिला है, दैट इज़ प्योर कैलकुलेशन कि हाँ बराबर है. अगर मैं अपना एक शेयर छोड़ती हूँ तो यहाँ पे ₹55 का शेयर मिला, मतलब अगर ये एक शेयर मेरे टर्म्स में देखने जाती तो मेरे को 5 शेयर लेने पड़ते थे तो मेरा टोटल ₹55 बनता था, इसका एक शेयर और मेरे 5 शेयर तो बैलेंस इक्वल होता था, इसीलिए यहाँ पे वो कम हो गए. और क्योंकि इश्यू प्राइस नहीं था तो अपन ने क्या अज्यूम किया कि परचेजिंग कंपनी का जो आई वी है वही इश्यू प्राइस ले लो, तो दैट वॉज 5,50,000. और अभी अगर आप देखोगे तो ये इसका नेट असेट देखो कितना है, 55 लाख, सॉरी ये 55 लाख था और इसका भी देखो पी सी कितना आ रहा है, 55 लाख. सो व्हेन इश्यू प्राइस इज नॉट गिवन वी कंसिडर दिस परचेजिंग कंपनी का आई वी एज इश्यू प्राइस और वही देखो आ गया आपका पीसी भी उतना आ गया. सो अल्टीमेटली नेट असेट जितना आ गया. हाँ ये इश्यू प्राइस अलग भी कर सकते हो लोग, वेरिएशन भी कर सकते हैं, यू कैन नॉट बी सो श्योर कितना ही होगा. प्लस ये इश्यू प्राइस का ज़रूरत है, आप सोचोगे कि अगर मिस ऐसा ही होने वाला है तो आप पहले ही देख लो ना इशू प्राइस है कि नहीं, तो छोड़ो अगर इशू प्राइस नहीं है तो नेट असेट करो ख़त्म करो, बट नहीं चलेगा ना पीपल. क्यों, क्योंकि ये जो 55 है उसको मेरे को बाइफोकेट करना पड़ेगा बिटवीन शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना. क्यों, क्योंकि जब भी परचेजिंग कंपनी में अकाउंटिंग होगा
तो परचेजिंग कंपनी का समझ लो एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो वो 55 रुपीज़ का शेयर कैपिटल थोड़ी लिख सकता है, क्योंकि एक शेयर ऑथोराइज या सब्सक्राइब शेयर कितना है 10 रुपये का। सो आई वुड से शेयर कैपिटल में जाएगा 10 रुपीज़ और बैलेंस 45 रुपीज़ इज़ योर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो आपको ये निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये समझा? सो यू कैन नॉट से नहीं मिस, छोड़ो ना, नेट असेट्स आ गया, पीसी मिल गया। हाँ पीसी तो मिल गया, बात बराबर, अगर इश्यू प्राइस नहीं दिया, बट देन ये बाइफर्केशन नहीं मिलेगा जब तक आपको परचेजिंग कंपनी का आईवी नहीं मिलता। सो गो बाय स्टेप शॉर्टकट मत लो, क्योंकि मैंने जैसे बोला पीसी इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, तो एक एक स्टेप के हिसाब से जाओ। सो अभी एक बार फटाफट देख लो ये इंट्रेंसिक वैल्यू क्या करोगे, नेट असेट ले लो एस यू डी इन द मेथड 3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स दैट गिव्स यू आईवी पर शेयर। नाउ पीसी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स आईवी ऑफ सेलिंग डिवाइड बाई आईवी ऑफ परचेजिंग इन टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेलिंग, पीसी इन रुपीज़, पीसी इन शेयर्स इन टू इश्यू प्राइस। इफ़ इश्यू प्राइस इज नॉट गिवन वी कंसिडर आईवी ऑफ परचेजिंग कंपनी एज द इश्यू प्राइस। इफ वी सी द एग्जाम्पल वी गॉट द नेट असेट ऑफ सेलिंग कंपनी एज 55 लैक्स एंड परचेजिंग कंपनी एज 5,50,000, वी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स एंड वी गॉट आई वी ऑफ सेलिंग कंपनी ऑफ रुपीज 11 एंड परचेजिंग कंपनी ऑफ रुपीज 55। इफ वी कैलकुलेट बाई दिस फॉर्मूला वी गॉट पी सी इन शेयर्स एज रुपीज 1 लैक। सो नाउ इंस्टेड ऑफ 5 लैक्स सेलिंग कंपनी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग 1 लैक शेयर्स, बट दिस 1 लैक शेयर्स आर ऑफ वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ रुपीज 55 पर शेयर। एंड देन पी सी इन रुपीज कैसे आ जाएगा, 1 लैक शेयर्स जो ऊपर आया इन टू रुपीज 55, 55 क्योंकि इशू प्राइस नहीं था, सो आई टुक परचेजिंग कंपनी का आई वी एज माई इशू प्राइस एंड दैट गिव मी पी सी ऑफ टोटल 55 लैक्स। और ये जो 55 आता है या ये 55 लैक्स पी सी है उसको भी डिवाइड एज शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना। ये क्लियर हुआ? सो ये कितना हो जाएगा, 1 लैक इंटू 10 दैट इज 10 लैक्स और 1 लैक इंटू 45 45 लैक्स। ये समझा? यहाँ पे लिख के रखती हूँ, दिस वुड बी 10 लैक्स। कैसे है, 1 लैक इंटू 10 एंड 1 लैक शेयर इंटू दिस इज 45 लैक्स, टोटल कम्स टू 55 लैक्स। ये समझा? चलो ये कॉपी करो, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है आई वी कैलकुलेट कैसे करना, या डर जाता है अरे नहीं नहीं आई वी आया बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली ये दो स्टेप भी फॉलो करोगे ना आपका ईजिली क्लियर मतलब पी सी आ जाएगा। चलो इतना वाला कॉपी करो। चलो वी आर नाउ डन विद द पी सी मेथड्स, वो सारा हो गया अपना, बट उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद द अकाउंटिंग प्रोसीजर कि ये लिक्विडेट कैसे होगा, ये परचेजिंग कंपनी क्या करेगी। बट बिफोर दैट विल टू सी टू बेसिक समथिंग, एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, ये इसलिए दे रही हूँ ताकि जब भी फुल फ्लेज सम करें तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो ओके ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक, ए लिमिटेड डिसाइड्स टू टेक ओवर बी लिमिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाई ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। अभी क्या हो रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है और आपको सिर्फ इतना पूछा है अमाउंट ऑफ पी सी टू बी पेड बाई ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 इज गिवन, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 80,000, रिजर्व्स 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, फिक्स असेट 2,30,000, करेंट असेट 60,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 2,90,000। तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड रुपीज 7.5 इन कैश फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 15% by issue of 12% preference shares in A Limited. Third, realization expenses of 15,000 to be paid and borne by A Limited. इतना आपको क्वेश्चन दिया, आपको क्या बोला है, यू हैव टू कैलकुलेट पी सी। यहाँ पर और कुछ चीज़ करने को नहीं बोला है, सिर्फ पी सी पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो, पी सी में मैंने क्या बोला था, चार मेथड्स है, लमसम, नेट पेमेंट, नेट असेट्स एंड इंट्रेंसिक।
कहीं पे भी इंट्रेंसिक जैसा वर्ड यूज किया हुआ, अगर इंट्रेंसिक वर्ड हुआ ना तो ऊपर का तीनों शू सिर्फ सीधा इंट्रेंसिक मेथड से कर देने का। तो कहीं पे भी शेयर वैल्यू बेसिस या इंट्रेंसिक ऐसा वर्ड दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, नहीं लमसम दिया हुआ है कि टोटल पीसी 5 लैक्स 10 लैक्स 15 लैक्स 40 लैक्स वैसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है। कमिंग टू इफ नॉट लमसम देन नेट पेमेंट मेथड, अभी ये सम इज एज पर नेट पेमेंट मेथड। क्यों? क्योंकि आपको देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ए लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 6 इक्विटी शेयर एंड 7.5 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड 6:5 6:7.5 वैसे दे रहे कि इतने शेयर्स के सामने इतना, इतने शेयर्स के सामने इतना, प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 15% बाई इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये आपका हो गया नेट पेमेंट, मतलब टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या देना है वो भी दे दिया, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या देना है वो भी दे दिया। तो अभी दोनों का क्या पीसी होगा वो आपको दे दिया हुआ है, तो नेट असेट करने की तो बात ही नहीं आती। नेट असेट कभी होता है जब कुछ भी नहीं बोला तो वी गो फॉर नेट असेट। सो यहाँ पे नेट पेमेंट से दिया हुआ है तो विल सॉल्व बाय दैट मेथड। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, एडिंग द कैलकुलेशन ऑफ पीसी। जो भी लिखते हो तो अभी पूरा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, ये परचेज कंसीडरेशन हमेशा मैं क्या बोलती हूँ किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सबसे पहले आई वुड से परचेज कंसीडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पॉइंट 1 शांति से पढ़ो, ए लिमिटेड डिसाइड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एंड 7.5 इन कैश फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो बी के हैं उनको शेयर्स भी दिया जा रहा है और उनको कैश भी दिया जा रहा है। सो परचेज कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना कैसे हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ आई वुड से शेयर्स एंड इन फॉर्म ऑफ कैश। शेयर्स में क्या दिया हुआ है, 6 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, सो आई कैन से 6:5 हेल्ड एंड कैश में बोला है, हाँ ये इक्विटी शेयर्स कितने के हैं ऑफ ₹10 each और यहाँ पे दिया हुआ है ₹7.5 इन कैश फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। सो ₹7.5 फॉर एवरी 5 हेल्ड, ये आपको दिया हुआ है कि 6 for 5 is 7.5 ₹7.5 फर्स्ट 5 शेयर्स हेल्ड। ये हेल्ड इसीलिए लिख रही हूँ ताकि ये कन्वीनियंट हो जाता है रेशियोज देखने में। ओके, हेल्ड कितना है मतलब बी लिमिटेड के पास होल्डिंग कितना है। अभी बी लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो कितनी इक्विटी शेयर्स है, अमाउंट इज 1,50,000 और 1 शेयर ₹10 का, सो कितना हो जाएगा 15,000 शेयर्स हेल्ड, तो 6 कितना और ये भी 15,000 शेयर्स हेल्ड, उसके सामने कैश कितना, सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर। चलो टेक योर कैलसीज, 15,000 × 6/5 दैट कम्स टू 18,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है, ₹10 का आगे दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, सो दिस वुड बी 1,80,000 और 15,000 × 7.5/5 दैट कम्स टू ₹22,500। सो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, प्लस 1,80,000 ₹2,02,500, ये हो गया आपका पीसी टू बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये तो आधा ही हुआ, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है तो उनको भी देना है। सेवन से पॉइंट टू पीसी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स,
अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या दिया हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देखो ऊपर बी लिमिटेड के कितने थे, 10% ही थे, ऑफ रुपीज 10 थे, बी लिमिटेड में 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ही 80,000, तो उनको बोला क्या हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 15% बाई इश्यू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड। ये जो इक्विटी वाले थे उनको इक्विटी शेयर्स मिल रहे थे प्लस कैश भी मिल रहा था, और ये जो प्रेफरेंस वाले हैं उनको 12% प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है। अभी उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, आपके पास ऑलरेडी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, विच वॉज इक्वल टू कितना था 80,000। आई वुड से एड प्रीमियम, क्योंकि आपको क्या बोला, इट इज़ टू बी डिस्चार्ज और इट इज़ टू बी पेड एट अ प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ऑफ 15%। सो 80,000 इंटू 15%, सो प्लस करो 80,000 प्लस 15%, दैट कम्स टू 92,000। सो परचेज कंसिडरेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज 92,000 वर्थ ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर। एंड इफ आई वॉन्ट टू से टोटल पी सी इज इक्वल टू रुपीज, ये दोनों को ऐड कर दो, 92,000 प्लस 202,500, दैट कम्स टू रुपीज 2,94,500। ईजी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना था और आपको ट्रांसलेट करना था, ये हर एक सम में करने वाला। क्विकली एक बार देख लो क्या हुआ, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको बोला कि इक्विटी शेयर 6:5 देना था, तो 15,000 शेयर्स के सामने 18,000 शेयर्स दिए ऑफ रुपीज 10, कैश 5 शेयर्स के सामने 7.5 रुपीज़ देंगे तो 15,000 शेयर्स के सामने 22,500। सो टोटल इक्विटी शेयर्स को दिया वर्थ ऑफ पी सी वर्थ ऑफ रुपीज़ 2,02,500, जिसके अंदर शेयर्स और कैश दोनों था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला कि आपको हम लोग की कंपनी में मतलब ए लिमिटेड में 12% प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। अभी 12% प्रेफरेंस शेयर्स कितने अमाउंट के मिलेंगे, जो आपका ओरिजिनल कैपिटल है प्लस 15% प्रीमियम, दैट कम्स टू 92,000। तो इनको 92,000 वर्थ के 12% प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। एंड इन परचेजिंग बी लिमिटेड टोटल पी सी टू बी पेड बाई ए लिमिटेड इज 2,94,500। चलो ये सब कॉपी करो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझा सबको, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये भी छोटा सा ही है बट एक कंसेप्ट समझाना, इसीलिए जहाँ पे आपको डिबेंचर का सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकालना है वो देखेंगे, क्योंकि ये भी अपने नॉर्मली सम्स में एडजस्टमेंट्स में आता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड डिसाइड्स टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल पी क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड हैज़ 10% debentures of 100 each amounting to rupees 60 lakhs and rupees 30 lakhs respectively। मतलब P के debentures कितने हो गए 60 lakhs, Q के debentures कितने हो गए 30 lakhs। ये debentures कौन से है, 10% debenture, मतलब interest rate कितना हो गया 10%। Debenture holders of both the companies are to be discharged by PQ Limited by issuing such number of 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest। Mark this as very important, calculate number of debenture to be issued by PQ Limited। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो दे दिया कि P के इतने हैं, Q के इतने हैं। चलो पहले इतना लिखना चालू करते हैं, जो डेटा अपने को दिया हुआ है वो लिखना चालू करते हैं। सो राइट क्वेश्चन नंबर 2, okay।
क्वेश्चन नंबर टू, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड, ठीक है. पी क्यू लिमिटेड अमाल डिसाइडेड टू अमालगमेट फॉर्म न्यू कंपनी पी क्यू. ओके, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड हैज 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. सो करंट 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. पी लिमिटेड का कितना दिया हुआ है रुपीज 60 लैक्स एंड क्यू लिमिटेड दिया हुआ है रुपीज 30 लैक्स. चलो ये लिखा आपने कि करंट 10% डिबेंचर पी का 60 लैक्स और क्यू का इट इज 30 लैक्स. अभी आगे दिया हुआ है कि पी और क्यू को देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी डिस्चार्ज बाई पी क्यू लिमिटेड बाई इशूइंग सच नंबर ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. मतलब पी लिमिटेड है और क्यू लिमिटेड है, ये दोनों को दोनों के डिबेंचर्स किसके पास जा रहे हैं, पी क्यू लिमिटेड के. इसके 10% डिबेंचर्स हैं 60 लैक्स के, इसके भी 10% डिबेंचर्स हैं 30 लैक्स के. अभी ये दोनों पी क्यू लिमिटेड को दिए और उसके सामने पी क्यू दोनों डिबेंचर होल्डर्स को अपने कंपनी के मतलब पी क्यू लिमिटेड के 15% डिबेंचर्स दे रहे, ठीक है. हम लोग ने अपने 10% दे दिए डिबेंचर्स क्योंकि अभी ये कंपनी कंप्लीट हो रही है लाइक लिक्विडेट हो रही है, तो अपने डिबेंचर्स गए और नए डिबेंचर्स आए ऑफ रुपीज 100 ईच. 15% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. अभी देखो ये इतना तो बोल दिया कि 15% डिबेंचर्स जाएगा बट अमाउंट कितना क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे भी क्या अमाउंट बोला है आपको, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन मार्क. तो अमाउंट नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि हम लोग आपके 10% के बदले 15% देंगे बट एक मेन कंडीशन बोली है. ये आपको बोला हुआ है इंटरेस्ट इज सेम. दैट मीन्स अगर यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वही इंटरेस्ट पी क्यू लिमिटेड देगा. मतलब अगर पुराने डिबेंचर जैसे समझ लो कि ये 60 लैक्स डिबेंचर्स हैं वो 10% डिबेंचर है, मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया 6 लैक्स हो गया, तो ये जो नए डिबेंचर्स है उसका भी इंटरेस्ट 6 लैक्स ही होना चाहिए. सो अकॉर्डिंगली आप अमाउंट फिट कर लो कि आपको 6 लैक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए. यू फिट योर अमाउंट कि आपका अमाउंट कितना जाएगा यहाँ पे. सो उसके लिए अपन यहाँ पे वर्किंग करेंगे. देखो कैसे आपको दिया हुआ है करंट 10% डिबेंचर 60-30. सो योर करंट इंटरेस्ट वुड बी 6 लैक्स का 10% सॉरी 60 लैक्स का 10% इज 6 लैक्स एंड 30 लैक्स का 10% इज रुपीज 3 लैक्स. आपको क्या बोला है न्यू इंटरेस्ट ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ पी क्यू लिमिटेड शुड बी सेम एज करंट इंटरेस्ट. सो दिस शुड बी ऑल्सो बी 6 लैक्स एंड दिस ऑल्सो शुड बी रुपीज 3 लैक्स. मतलब पहले 60 लैक्स पे 6 लैक्स मिल रहा था, अभी 15% डिबेंचर्स हो गया, रेट चेंज हुआ बट इंटरेस्ट अमाउंट आपको बोला है इट हैज़ टू बी सेम. सो 10 से 15 हुआ तो ठीक है बट इंटरेस्ट 6 लैक्स का 6 लैक्स और 3 लैक्स का 3 लैक्स ही होना चाहिए. सो नाउ न्यू डिबेंचर्स कैसे हो जाएगा. सो आई अज्यूम माई न्यू डिबेंचर्स एस एक्स. मेरे न्यू डिबेंचर्स को अगर मैं एक्स अज्यूम करती हूँ तो दिस वुड बी 15% ऑफ एक्स शुड बी 6 लैक्स इन पी लिमिटेड. डिबेंचर्स पे 15% लगाओ तो 6 लैक्स आना चाहिए और ये 15% ऑफ एक्स शुड बी 3 लैक्स. ये कैसे आया,
यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये वाले केस में 60 लैक्स इंटू 10% किया था, जो मेरे को 6 लैक्स मिला था. नाउ इंटरेस्ट रिमेन्स सेम, परसेंटेज चेंजेस, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क. सो इसको मैंने क्या अज्यूम कर दिया हुआ, एक्स, तो एक्स का 15% शुड बी 6. और क्यू का क्या हुआ था, 30 लैक्स इंटू 10% वॉज 3 लैक्स. नाउ इंटरेस्ट शुड रिमेन सेम, बट द इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज बिकॉज 10% डिबेंचर्स के सामने 15% गया, तो ये कितना. सो 15% ऑफ एक्स शुड बी 3 लैक्स. तो वही किया, 15% ऑफ एक्स शुड बी 6 लैक्स, 15% ऑफ एक्स शुड बी 3 लैक्स, सो दैट इज 3 लैक्स. ये हो गया. सो अभी इसको सॉल्व करो. सो योर एक्स वुड बी इक्वल टू, ये अगर सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 6 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 15. सो दिस कम्स टू 40 लैक्स. ये आता है आपका 40 लैक्स. और दिस एक्स वुड बी इक्वल टू 3 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 15, 20 लैक्स. क्रॉस चेक करना है तो कर लो, 20 लैक्स का 15% वुड बी 3 लैक्स और 40 लैक्स का 15% वुड बी 6 लैक्स. सो अमाउंट ऑफ न्यू 15% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 100, ये हो गया आपका अमाउंट. ये समझा. अभी देखो, इफ़ यू सी, पहले मेरे पास 60 लाख डिबेंचर्स थे, बट अभी वो 16 लाख के बदले वो लोग कितने दे रहे हैं, 40 लाख. तो अपने को इंटरेस्ट बढ़ा तभी लगा रहे, इंटरेस्ट तो बढ़ गया, 10% का 15% मिल गया, बट वैसे हुआ नहीं है क्योंकि 60 लाख के सामने नए वो लोग सिर्फ 40 लाख देते हैं. सो एज टू मेंटेन सेम इंटरेस्ट, क्यू लिमिटेड के 30 लैक्स के सामने वो लोग सिर्फ 20 लैक्स दे रहे हैं, सो एज टू मेंटेन द सेम इंटरेस्ट ऑफ 3 लैक्स. सो यहाँ पे आपको क्या करना था, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू. तो ये तो आपका सिर्फ अभी तक अमाउंट आया, सो आई वुड से नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी इक्वल टू, ये 40 लैक्स है और 100 ईच, सो दिस वुड बी 40,000 डिबेंचर्स एंड 20 लैक्स ऑफ 100 ईच, तो 20,000 डिबेंचर्स. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये समझा, ये आपको बहुत बार समझ में आता है कि इट इज सेटल्ड. अभी देखो, याद करो, अगर पीसी का कैलकुलेशन आया और डिबेंचर्स आप माइनस करो एज ए लायबिलिटी नेट असेट मेथड में, विल यू टेक 60 लैक्स और 40 लैक्स? ये 40 लैक्स लोगे या 60 लैक्स लोगे? असेट्स एंड लायबिलिटी टू बी टेकन एट अग्रीड वैल्यू, सो यू विल टेक 40 लैक्स. इन केस ऑफ क्यू, 30 के 20? यस, यू विल टेक 20 लैक्स क्योंकि इट इज़ टू बी टेकन एट अग्रीड वैल्यू. चलो ये